और उस पर मेरे को सस्पेंड किया, और उसी जनसंसद में योगेंद्र यादव जाके बोलता उसको कोई फिक्र नहीं रहता। अब अगर हमने बीमारी का इलाज करना है तो देश के कानून बदलने की जरूरत है। फिर तो अनिल विज भी ठीक कह रहे हैं कि आप केजरीवाल की राह पे चाहते हैं परिवर्तन पर चलें। गुरनाम सर, आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, मिशन कैसे पूरा होगा जब आप राजनीति करना नहीं चाहते, वोट आप तय नहीं करते किसको देनी है, मिशन पूरा कैसे होगा? लेकिन पंजाब वालों को कहा है कि आप करिए, अब वो इस पे मेरे पे और उल्टे पड़ गए। मैं एक दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या उनको? फिर ये कहते हैं राजनीति कहाँ है, राजनीति है भाई, 11 संगठन तो इनमें कामरेड हो गए हैं जो चुनाव लड़ते हैं, कौन सा राजनीतिक है? योगेंद्र यादव की पार्टी है। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं कि ये मदद नहीं करेंगे, इसके लिए हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए, इसका मतलब हम 8 महीने और सड़क पे बैठेंगे, अभी 550 हमारे और भी मरे। चंबल घाटी का डाकू चुनाव लड़ सकता है? एक 20-30 साल से सेवा करता किसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो पाप है। ये उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन हो नहीं रहा, और 8 महीने से यूपी का ना रोड जाम हुए, ना टोल बंद हुए, ना बाजार बंद हुए, ना नेता लोग आने से रुके। टिकैत पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वो ब्रांड बना दिए क्या? वो जो मर्जी बोल सकते हैं, टीवी डिबेट पे कुछ बोल सकते हैं, लोगों के बीच जाके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे क्या? हरियाणा के लोगों आपको अपना नहीं मानते? तो 7 दिन के लिए करें, 7 साल के लिए करें, लेकिन हमने उनको 2 बात बता के आए। एक कि आप 7 दिन के बाद फिर निकालने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं अपने बयान अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ। सस्पेंड गुरनाम सिंह हुए ना, कुछ नहीं है किसान आंदोलन, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अभी आंदोलन जीते नहीं है, लेकिन उस जीत की होड़ लगी है, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, और उसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है वो जग जाहिर हो चुकी है। अब कोई आंदोलन नहीं है, ये सबको पता चल चुका। लेकिन अगर बीजेपी से पाला पड़ गया ना, फिर हम सारे इकट्ठे हैं, उनको सारे लड़के जरूर पीट लेंगे। 6 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन हो चुके हैं चले हुए, और 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है गुरनाम सिंह चडूनी। चडूनी का नाम आते ही एक ऐसा नाम है जिस पे बहुत सारी कार्रवाई होती हैं, जिनके बयानों को सब खंडन कर दिया जाता है। गुरनाम जी, ऐसा क्यों होता है, आप जो भी बयान देते हैं उसी पर तलवार मार दी जाती है और फिर दोबारा उसी को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है? देखिए, ये तो प्राकृतिक है, जब कोई आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, किसी भी कारण से बड़े प्राकृतिक बढ़ता है, वैसे तो आदमी की औकात होती है, तो दूसरे बड़ों को कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है। वो चीज़ें बाकी, और गलत बयान तो मैंने कोई दिया नहीं, ना कोई गलत मैंने प्रस्ताव रखा, ना कोई गलत कुछ किया, ना कोई करने का इरादा है। फिर भी आप सस्पेंड होते हो, दूसरी बार हो चुके हो? हाँ, दूसरी बार हो चुके हैं। पहली बार तो इस बात पे हुए थे कि जो अपोजिशन है उसको इकट्ठा होकर सारी को, उसको भी आंदोलन लड़ना चाहिए, उसको एक जन संसद बुलानी चाहिए, और उस पर मेरे को सस्पेंड किया, और उसी जन संसद में योगेंद्र यादव जाके बोलता उसको कोई कुछ नहीं कहता। योगेंद्र यादव बोलते हैं, राकेश टिकैत बोलते हैं, कक्का बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, बाकायदा योगेंद्र यादव की तो पार्टी भी है, बहुत सारे अपने जो मोर्चे हैं उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कहते हो तो तब क्यों ऐसा बवाल खड़ा होता है? देखिए, अभी इन्होंने मिशन उत्तर प्रदेश चलाया था कि हम बीजेपी को हराएंगे। पहली बात, उसके पीछे नीयत साफ नहीं है। दूसरी बात, मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे ऐसे तो हमने 3 बार अभियान हरियाणा के अंदर चला लिया और 3 बार सरकार को गिराया भी, लेकिन जो नई बनी उसने तो हमारी बात मानी नहीं। यूपी के हिरण से क्या हो जाएगा? मैंने मिशन पंजाब की बात की है कि एक बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी तरह से ये तीनों कानून वापस भी करवा लें तो हम 5 जून 2020 से पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगे। फर्क इतना है कि ये कानून हमारी मौत के वारंट हैं। वारंट कम होंगे बस। अगर हम ये तीनों कानून वापस करवा लेते हैं तो हमारी मौत के वारंट वापस हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रेचर पे हम पहले से,
अब क्या स्ट्रेचर पे ही रहना है या बीमारी का इलाज भी करना है। अब अगर हमने बीमारी का इलाज करना है तो देश के कानून बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या हम उन लोगों से उम्मीद करें जो परंपरागत पार्टियां पहले से आ रही हैं, जो पहले राज कर चुकी हैं, सत्ता में आ चुकी हैं, जिन्होंने एक गलत कानून बनाए, तो क्या अब वो हमारे लिए कुछ करेंगे? तो मैंने कहा था एक मॉडल पेश करके दिखाओ। आज के टाइम में पंजाब की एक विशेष स्थिति ये है कि पंजाब में धर्म और जाति के नाम पे वोट कम डलती है, वहाँ मुद्दों के नाम पे मसले पर वोट ज़्यादा डलती है, और पंजाब के लोग समझदार भी बहुत ज़्यादा हैं इस मैटर पे। और पंजाब का स्वर्णिम मौका ये है कि 2002 में चुनाव है और सेंटर का चुनाव 2022 में है और सेंटर का चुनाव 2024 में है। वो 2 साल आपको काम करने के मिलेंगे अगर आपने अच्छा काम करके दिखा दिया। जैसे एक दिन के मुख्यमंत्री ने करके दिखाया, तो वो फिल्म थी नायक। भाई ये कम कुछ करके सैंपल दिखाएं कि देखो ऐसे चलाना चाहिए राज। अगर आप ऐसे करके दिखा देते हो तो पूरा देश आपका अनुसरण करेगा और पूरे देश में फिर तख्ता पलट की पोजिशन आएगी, पूरे देश में व्यवस्था सुधार की बात आएगी। फिर तो अनिल विज भी ठीक कह रहे हैं कि आप केजरीवाल की राह पे चाहते हैं परिवर्तन करना। केजरीवाल को जितना करना चाहिए था कर नहीं पाया। केजरीवाल आज तक कारपोरेट के खिलाफ नहीं बोला। आप एक जगह बता दिए कारपोरेट के खिलाफ नहीं बोला केजरीवाल। केजरीवाल ने ठीक है बिजली सस्ती दे दी, पढ़ाई फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन कारपोरेट के विरुद्ध नहीं बोला। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में जो नीतियाँ लागू होती हैं वो कारपोरेट के एजेंडा ही यहाँ पर चलता है। और आज हम देखें कि अमीरों के लिए कानून बनते हैं और अमीरों के लिए कानून बनते ये हो गया, एक आदमी की आमदन आज 2150 करोड़ है और उसी देश के दूसरे नागरिक की आमदन 30-35 रुपए है प्रतिदिन की। तो क्या हम मान के चलें गुरनाम सर आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं? मैंने कब कहा मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा? मैंने फिर मिशन कैसे पूरा होगा जब आप राजनीति करना नहीं चाहते, वोट आप तय नहीं करते किसको देनी है, मिशन पूरा कैसे होगा? कानून आपकी बात है, आप पूरे करवा लोगे, लेकिन स्ट्रेचर पे हो फिर स्ट्रेचर पे बैठ जाओगे, वोट तो सही आदमी को डालनी पड़ेगी, अगर वो किसानों में से निकल के जाएगा तो क्या बुराई है? मैंने वही कहा है, लेकिन पंजाब वालों को कहा है कि आप करिए, अब वो इस पे मेरे पे और उल्टे पड़ गए। मैं एक दिक्कत क्या है उनको? बस दिक्कत तो पता नहीं क्या तो नहीं है, पंजाब में आपका कद बढ़ गया है और वो जो एक मानव का नेचर होता है एक तरह दूसरे को बढ़ता हुआ देख के अपना उसको थोड़ा थोड़ा काट दो। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें फिर ये कहते हैं राजनीतिक, कहाँ है राजनीतिक है भाई? 11 संगठन तो इनमें कामरेडों के हैं जो चुनाव लड़ते हैं। कौन सा है राजनीतिक है? योगेंद्र यादव की पार्टी है। कौन सा है राजनीतिक है? और लखोवाल है, 3 बार जो है वो रह चुका है चेयरमैन, हर इलेक्शन में बादल के साथ प्रचार करता है, कहाँ का है राजनीतिक है। और अन्ना नमोला है जो 9 मेंबरी कमेटी के मेंबर है, 8 बार MP रह चुका है, कहाँ का राजनीतिक है? तो इसमें और बात है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में उतरना चाहते हैं, यही सभी कहते हैं राजनीति में जाने से पहले, लेकिन क्या कैसे भरोसा करें लोग कि अगर किसान कुछ राजनीतिक गतिविधि करते हैं तो जनता भी साथ देगी? क्योंकि आज जब आप कोई भी काम करते हैं बीजेपी वाले साफ तौर पे आप पे एलिगेशन लगा देते हैं, आप आंदोलन की आड़ में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, कितनी वोट आई हैं जनता सब जानती है। देखिए धोखा तो जो है वो आम बात है इंसान की, होते हैं और आगे भी जो आएंगे वो धोखा नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक यकीन होता है कि यार ये आदमी मेरे लिए 10 साल से लड़ रहा है, ये आदमी मेरे लिए 20 साल से लड़ रहा है, जब उस टाइम में इसने कोई लालच नहीं किया तो इस उन दूसरे से तो ज़्यादा भरोसा किया ही जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेईमान नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन कम से कम दूसरे से जहाँ तो भरोसा किया ही जा सकता है उस पर। सर ये तो फिर वही बात होगी, और केजरीवाल जी ने बहुत सारे वायदे किए थे कि मैं गंदगी को मिटाऊंगा, और नायक वाली भूमिका में भी आ गए थे, क्योंकि जब वो अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करते हैं तो अनिल कपूर की छवि दिखा के नायक की, और तभी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब आपने भी आरोप लगा दिया कि केजरीवाल ने कभी भी कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। नहीं,
ये लेकिन दूसरों से छकर दिया। आप पढ़ाई के मामले में देखें, आप इलाज के मामले में देखें, आप बिजली के मामले में देखें, दूसरों से तो बढ़िया कर दिया। निचले वाले आदमी को जिसके खून निचोड़ा जा रहा था उसको जिंदा रहने की सुविधा तो दे दी उसने, ये तो कम से कम उसने करके दिखा दिया ना। और हालांकि उसके पास जो कारपोरेट है, कारपोरेशन है, वो उसके हाथ में नहीं है, एलजी उसके हाथ में नहीं है, पुलिस उसके हाथ में नहीं है, ये सब कुछ उसके हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी वो जितना कर सके, मतलब दूसरे से ज़्यादा कर। आप मानते हैं कुछ काम तो किया है, लेकिन जो किसानों की अगर बात आती तो कॉरपोरेट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि शायद दिल्ली इतना कृषि प्रधान नहीं है, हरियाणा पंजाब शायद ज़्यादा है। उसने दो काम नहीं किए, एक तो कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं बोला, और दूसरा उसको मैंने कहा था कि दिल्ली के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ कर दो और दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे। अब वो तो एटलीस्ट एग्जांपल सेट कर सकते थे। हाँ, मैंने उसको कहा था और उन्होंने मेरी ड्यूटी भी लगाई थी 4-5 साल पहले कि अधिकारियों से की टीम बना के कि आप सेटल करवाओ कितना इस पर खर्चा वर्चा आएगा। गोपाल राय की ड्यूटी लगाई थी तो मैंने 3 मीटिंग उनके साथ की और कुछ भी पैसा नहीं था वो, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी जमीन है। हाँ, वो सारा करवा के आया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि अब हम इसको लागू तब करेंगे जब हमें ज़्यादा अनुकूल टाइम होगा, लेकिन नहीं किया। अब जब नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी करना नहीं चाहते थे उसको, उसको तो कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं था। अच्छा गुरनाम सर, एक बात थी, हम जब ऑफलाइन कैमरा बात कर रहे थे, कुछ अपने पंजाब के लोगों से बात कर रहे थे कि भाई गुरनाम जी जब मिशन पंजाब की बात करते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो 32 एक तरह से कह सकते हैं, पूरा किसान मोर्चा भी नहीं है शायद आपके खिलाफ, कुछ लोग हैं उसमें, तो वो बात करते हैं आपके खिलाफ, जब मिशन पंजाब की आप बात करते हो तो उनका कहना था कि जो किसान यहाँ जान गंवा चुके हैं, 1 लाख तो अकाली दल देता है उनको, 5 लाख कैप्टन अमरिंदर देता है, कहीं ना कहीं अगर हम अपनी राजनीतिक सोच जाहिर करेंगे तो ये पार्टियां जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें थोड़ी मदद कर रहे हैं, ये मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि ये मदद नहीं करेंगे, इसके लिए हम उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए। पहली बात तो ये है कि 550 मरने के बावजूद सरकार के कान पर आज तक जू नहीं रहेंगी और आगे रेंगने की उम्मीद नहीं है, इनकी कुर्बानियों व्यर्थ जाएंगी और ये लड़त हमारे ऊपर होगी अगर हम कुछ नहीं मनवा पाते, अगर हम आज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्लान चल रहा है इनका आंदोलन लड़ने का, 2002 तक का बना लिया, मिशन उत्तर प्रदेश के भी बीजेपी को हराएंगे, वो चुनाव फरवरी 2022 में होगा। इसका मतलब हम 8 महीने और सड़क पे बैठेंगे, अभी 550 हमारे और भी मरेंगे। मतलब फिर तो वही बात होगी जो टकैत साहब कह रहे थे कि अभी लंबा चलेगा, वो जानबूझ के चलाना है लंबा। अरे मैं बता तो रहा ना, फरवरी 2022 तक का तो ये प्लान हो गया, और फिर फरवरी 2022 में तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार बदल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथ में तो कानून बनाना है नहीं, कानून बदलना है नहीं, फिर हम उसके अगले प्लान 2024 तक चलेगी। और अगर हम 2024 में बीजेपी को हरा भी देते हैं तो फिर हराने के बाद जो अगली सरकार आएगी उसने भी तो ये नहीं कहा, जो आज अपोजिशन में, उसने भी तो ये नहीं कहा कि हम कि हम कानून वापिस लेंगे, MSP गारंटी का कानून बनाएंगे, उन्होंने भी नहीं कहा। फिर रास्ता क्या है, ये तो विचार करना ही चाहिए ना। रास्ता तो यही है, आप लोग तय करें, या तो राजनीतिक विकल्प चुने या फिर वोट चुने किसको देना है। और दूसरी बात और है कि वोट हमारे घर की है, हमारे परिवार की है, 100 में से 60 वोट तो किसान मजदूरों की है और ये सड़क पर बैठे हैं, और अपनी वोट हम किसी को देते हैं और उसके आगे भीख मांगते हैं, वो क्या हम उन्हीं को वोट देना चाहिए जो हमारा शोषण कर रहे हैं। वोट लुटेरे गिरोह हम इनको बोल सकते हैं। दूसरी बात, चंबल घाटी का डाकू हमारा यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, चंबल घाटी का डाकू चुनाव लड़ सकता है, एक 20-30 साल से सेवा करता किसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो पाप है। फिर अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो बुरे लोग आपस शासन करेंगे, तो करेंगे ही, फिर होगा पाप। तो ये भी हो जाता है, अगर किसान एसी में सोता है तो किसान एसी में क्यों सो रहा है, किसान अच्छे कपड़े पहनता है तो किसान नहीं है, ये सब लड़त हमारे पे आती है, सब लड़त हमारे पे आती है। अरे ये किसान है, चिट्टे कपड़े पा रहा है, ये किसान है, देखो कैसे अच्छे मकान में बैठा है, ये लड़तें भी आती हैं। हम
टूटे फूटे चप्पल में रहें, खेत में रहें, लिबड़े रहें, कीड़े मकोड़ों जैसी हमारी ज़िंदगी हो, फिर तो हम किसान हैं। हमारी ज़िंदगी लाल तहन पापियों के ऊपर कहते भी वो लोग हैं जो खुद राजनीति करते हैं, कहते भी वो हैं जो खुद राजनीति करते हैं, जैसे राजनीति उनके घर की है कि हाँ ये तो खानदानी इसमें पैदा हुए तो उन्हीं के नाम की है, बापौदी होगी ये तो राजनीति की। राजनीति की बात कर रहे हैं, बीजेपी पहले ये सोच के बैठी है कि हरियाणा पंजाब अगर हम एक साइड रख भी दें, जब भी हमारे पास पूरा देश पड़ा है, हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इन दो राज्यों में भी व्यवस्था परिवर्तन करें तब भी हमें क्या फ़ायदा होगा? मैं बात कर रहा हूँ सैंपल पेश करने की, सैंपल के ये नहीं है कि हमने ये कुर्सियाँ बनानी हैं, ये हम एक बार में 1,00,000 कुर्सियाँ बनाएंगे तभी बात होगी। बनानी 1,00,000 है, लेकिन पहले हम एक बना के देखेंगे कि कामयाब है कि नहीं, इसकी क्वालिटी क्या है, तभी तो बाकी बना पाएंगे ना। अगर हम पंजाब में सरकार की क्वालिटी दिखा देते हैं, उस क्वालिटी को देश पसंद करेगा। अगर क्वालिटी दिखा दी तो देश पसंद करेगा, और अगर क्वालिटी ना दिखा पाए तो छित्र भी उससे दो गुने पड़ेंगे। पंजाब हरियाणा की तुलना में यूपी ज़्यादा बड़ा स्टेट है, लेकिन अभी तक यूपी का किसान खुल के बॉर्डरों पे नहीं आया है, खुल के आप लोगों का समर्थन नहीं किया है, बहुत कम संख्या है। अगर किसी दिन जब यूपी पूरा उठ के आ जाए तब शायद हो सकता है कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो, फ़ायदा हो। यही सवाल मैंने अपने मोर्चे में किया है कि उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन हो नहीं रहा, और 8 महीने से यूपी का ना रोड जाम हुए, ना टोल बंद हुए, ना बाज़ार बंद हुए, ना नेता लोग आने से रुके, और 8 महीने बाद हम प्लान बना रहे हैं, बल्कि 10 महीने बाद, क्योंकि 5 सितंबर को पहली रैली रख रहे हैं, प्लान बना रहे हैं मिशन उत्तर प्रदेश। अब वो मिशन उत्तर प्रदेश है कि पहले रैली करेंगे, फिर जिलों में रैली करेंगे, फिर यात्राएं निकालेंगे, फिर चुनाव में इनको हराएंगे। ठीक बात है। अब मिशन उत्तर प्रदेश, मैंने उनको ये पूछा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो मेरे में भड़के। और एक बात अब आज और जो बात सामने आ गई वो ये आ गई कि कल नरेश टिकैत ने बयान दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, और हम तो मतलब अगर आप होते उसकी जगह तो फिर बर्खास्त थे कई दिन के लिए, कई दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए। टिकैत पे ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या वो ब्रांड बना दिए क्या? वो जो मर्जी बोल सकते हैं, टीवी डिबेट पे कुछ बोल सकते हैं, लोगों के बीच जाके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे क्या? हरियाणा के लोग आपको अपना नहीं मानते क्या? नहीं, हरियाणा के लोग तो अपना मानते हैं, पंजाब के लोग भी हमें अपना मानते हैं। अगर नेता नेता अपना नहीं मानते, ये किसान एकता मोर्चा में जो नेता, ये आपको नेता नहीं मानते बस? हाँ, नेताओं को दिक्कत है, नेताओं को दिक्कत फिर हो ही जाती है ना थोड़ी सी। और दूसरी बात है कि हम तो चलो कोई बात नहीं कि सारे आदेश मान लिए, हमें तो 7 दिन के लिए करें, 7 साल के लिए करें, लेकिन हमने इनको 2 बात बता के आए। एक कि आप 7 दिन के बाद फिर निकालने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं अपने बयान अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ, एक बात। और दूसरा कि जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक निकालने के बावजूद भी हम इस आंदोलन में अपनी जो सक्रियता है वो पहले से और ज़्यादा रखेंगे। हर आदेश जो संयुक्त मोर्चा पास करेगा कि अब संसद कुछ करना है, अब सड़क रोकनी है, अब ये करना है, वो करना है, जो भी आप जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम पहले की तरह पूरी सक्रियता से भाग उसमें लेते रहे। आप तो पूरी शक्ति के साथ कह रहे हो, मेरी कई बीजेपी नेताओं से बात हुई, जेजेपी नेताओं से बात हुई, देखा होगा ना आज काम, आगे ना कल ठिकाने, ये लोग चाहते ही ये थे। सस्पेंड गुरनाम सिंह हुए ना, कुछ नहीं है किसान आंदोलन, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, अभी आंदोलन जीते नहीं है लेकिन उस जीत की होड़ लगी है, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी है, और उसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है वो जग जाहिर हो चुकी है। अब कोई आंदोलन नहीं है, ये सबको पता चल चुका है। नंबर एक तो मैं बीजेपी के नेताओं को ये बता देना चाहूँगा, किसी गलत फहमी में ना रहें, हम आपस में लड़ें जितने मर्जी, आपस में हम कोई निकाले कोई कुछ करे जो भी हो, लेकिन अगर बीजेपी से पाला पड़ गया ना, फिर हम सारे इकट्ठे हैं, उनको सारे लड़के जरूर पीट लेंगे,
ये पक्की है, ये उनको ये पीटने वाला सिस्टम क्यों आप करते हैं? मतलब है यार भी पंजाब में नहीं, ये प्रैक्टिकल भी होता है। पंजाब में लोग भाग रहे हैं बीजेपी के, हरियाणा में लोग भाग रहे हैं, आप पे मामले दर्ज होते, देशद्रोह के मामले दर्ज होते जब आप किसी बीजेपी नेता को, बीजेपी नेता को पीटते हो। नहीं, पीटने का मेरा मतलब ये नहीं है, पीटना मैंने गलत शब्द बोल दिया, पीटने का मतलब ये नहीं, दौड़ाते तो पीटते नहीं, वो आपको देखते ही अगर आप किसान मोर्चा लगाए वो गाड़ी दूर से ही मोड़ लेते हैं। वो भी नहीं है, इतना क्यों डराते हो? नहीं वो भी नहीं है, उसमें हमारा कहना ये है कि कोई हाथों पाई ना करे, बट्टा ना मारे, डंडा सोटा ना करे, वो तो हम पहले से ही दाग रहे, अहिंसक रहे। पीटने का मतलब मेरा ये है कि इन ये जैसे भी हमले हमें हमला हमारे ऊपर करवाएंगे उसका मुँह तोड़ जवाब हम जरूर दे देंगे, चाहे हमारा कहीं जैसे ये मुकदमे बनाते हैं, जैसे जेल में डालते हैं, या जैसे कुछ और, जैसे अपने गुंडों से कई बार हमला भी करवाते हैं, वो जो है उसमें हम सारे एकजुट होकर इनका मुकाबला करने में सक्षम हैं। एक चीज़ नहीं समझ में आती गुरनाम सर, आंदोलन चल रहा है, सारी चीज़ें सबको पता है, हरियाणा में ऐसा क्यों होता है जब भी आप लोग कुछ प्रोटेस्ट करते हो, विरोध करते हो, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होते हैं? ऐसा कौन सा देशद्रोह कर रहे हो आप? देशद्रोह नहीं है, वो राजद्रोह के, राजद्रोह का दर्ज किया, लेकिन वो गलत है, गलत है कि हम अपनी अधिकार के लिए अगर हम मांगे तो वो भी राजद्रोह है। ये क्या बात हुई? राजद्रोह तो वो है जो ये राज करने के दौरान अपने देश को बेच रहे हैं। असली राजद्रोह देशद्रोह का बनना चाहिए इनके ऊपर, अपने देश की प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं, देशद्रोह तो उनके ऊपर बनना चाहिए, अपने देश को बचाने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार बनाई थी, अपने देश को बेचने के लिए सरकार बनाई थी, और अगर उनसे नहीं चलता, अगर वो सक्षम नहीं है, अगर उनमें लायकता नहीं है तो छोड़ दें, बेच कर रहे हैं भाई। चलिए, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी के सस्पेंशन के बाद कुछ लोगों में ये निराशा थी, अब हम क्या करें, किस तरह से देखें, क्योंकि एक लीडर जब थोड़ा टूटता है तो उसके पीछे जो पूरी कतार चली हुई होती है उसका हौसला थोड़ा कम होता है। नहीं नहीं, लोगों में कोई हौसला ना कम हुआ और ना होना चाहिए। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मेरा क्या बिगड़ गया है? मेरी तनख्वाह कट गई, पेंशन थी क्या मेरी जो कम होगी? वो कोई टेंशन ना ले हमारा भाई। और कोई, मैं ये भी कहूँगा भाई, थोड़ा संयम रखें, संयुक्त मोर्चे के खिलाफ कोई ज़्यादा भद्दी भाषा का प्रयोग ना करें और कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जो बुरी लगे। आंदोलन में हम सब इकट्ठे हैं, हमारे मतभेद जरूर हैं, आंदोलन में भी हैं, मेरी नीति और है, दूसरे की नीति और है, होती है, तो ये तो परिवार में भी होती है, चलेगी। आगामी क्या कार्यक्रम है आप लोगों के इसको मजबूत करने के लिए? ये संयुक्त मोर्चा देखेगा। नहीं, आपके क्या हैं? संयुक्त मोर्चा तो जो कहेगा वो आप करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी रणनीति भी बनाई है हमें, जैसे उत्तराखंड आप होके आए हो कल। नहीं, मेरे को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया ना, अब मैं तो वैसे फिर रहा हूँ, उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड वालों का भैया आ जाना वहाँ पे, कोई बात नहीं, मेरे को निकाल दे, कोई बात नहीं, आप जरूर आ जाना। अब 20 तारीख को यमुनानगर से भी लेके आएंगे जत्था, बड़ा जत्था 20 तारीख को यमुनानगर से आ रहा है, इसमें हज़ारों गाड़ियाँ होंगी, वो हम करते रहेंगे, लेकिन नीतियाँ सारी संयुक्त मोर्चे की चलेंगी। मतलब बैनर वही रहेगा, मजबूती पूरी प्रदान करेंगे, बस प्लानिंग हमारी नहीं होगी, प्लानिंग संयुक्त मोर्चे की होगी। ये आपकी प्लानिंग रहती है, आप कुछ बोलते हो फिर उस प्लानिंग पे रिएक्शन होता है। हाँ, वो रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने बोलने बंद कर दिया, यार तुम ही कर लो। चलो, ये तो थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी, जिन्होंने कहा कि सस्पेंशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंदोलन पर, संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश करेगा, जो प्लानिंग करेगा, उसी पे रणनीति चलेगी, उसी पे काम चलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार इस भूल में बिल्कुल भी ना रहे कि किसान आंदोलन कमज़ोर हुआ है, या हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से चडूनी यूनियन अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है वो कम हो जाएगी, ऐसा कतई भी नहीं है। गुरनाम सिंह चडूनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो 3 कृषि कानून रद्द कराने का मकसद है, सिर्फ 3 कृषि कानून रद्द कराने का नहीं रहा है, स्ट्रेचर पे किसान पड़ा है, स्ट्रेचर पे नहीं रहना है, MSP भी लागू करवाना है, और एक ऐसी व्यवस्था में भी आगाज़ करना है जिस तरह से राजनीति की व्यवस्था है उसमें भी आगाज़ करना है, और एक देश को साफ सुथरी छवि की राजनीति का प्रारूप भी आने वाले शायद समय में किसान आंदोलन दे सकता है। K9 मीडिया के लिए सिंगू बॉर्डर से, K9 मीडिया के लिए अरुण कुमार।